अस्सलाम वालेकुम ऑल थ्री स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉइंग योर वेकेशन। टुडे वी विल डू आवर मैथ्स वर्क, ओपन पेज नंबर 33। तो लास्ट असाइनमेंट में हमने वर्क किया था, टू डायमेंशनल शेप्स हमने पढ़ी भी थी और ड्रॉ भी की थी। ऐसे ही हमें यहाँ पे नेम बताए गए हैं कुछ शेप्स के, हमने इनकी शेप्स ड्रॉ करनी है। सबसे पहला जो हमें जो शेप्स दी गई है वो है स्क्वायर। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं, फोर कॉर्नर्स होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो होती हैं इक्वल। उसके बाद है स्टार। नेक्स्ट है ओवल। आप किसी भी डायरेक्शन में ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स इन द गिवन लाइंस। यहाँ पे शेप्स दी गई हैं और उनके नीचे लाइन ड्रॉ की गई हैं, उस पर हमने इनके नेम राइट करने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास सर्कल की, सी आई आर सर सी एल इकल सर्कल। ऐसे अच्छी अच्छी राइटिंग में आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट पिक्चर है वो है ट्रायंगल की, टी आर आई ट्राई ए एन एन ट्रायंगल जी एल ईगल ट्रायंगल। अगर आपके स्पेलिंग पूरे नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे लाइन इंक्रीज कर सकते हैं, जी एल ईगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पिक्चर है स्क्वायर, S Q U Q A R A square. The next one is rectangle. इसके स्पेलिंग ज़रा ज़्यादा हैं इसलिए मैं लाइन पहले से ही इंक्रीज कर लूँ। R E C T rect A N N G L E G L rectangle. The next picture is oval. O V L oval. Oval. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये असाइनमेंट टास्क कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।